हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग आईबीपीएस AA4 2019-20 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2020-21 के पेपर को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि हम सिर्फ इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करते, हम क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने पॉइंट्स होते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं, और साथ ही उसमें जितने ऑप्शंस दिए रहते हैं हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपका क्विक रिविजन हो जाए और आप एग्जाम में सबसे बेस्ट परफॉर्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप। देखिए, शीप में मेटिंग होती है तो उसे हम कहते हैं टपिंग, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर पिग में मेटिंग होती है तो उसे कहते हैं कपलिंग, हॉर्स में मेटिंग होती है तो उसे हम कहते हैं कवरिंग, वहीं पर काउ, बफेलो या गोट में मेटिंग होती है तो उसे हम कहते हैं सर्विंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट इज इन विच स्टेट। अगर आपसे हाईएस्ट एरिया पूछा जाए फॉरेस्ट का तो वो है मध्य प्रदेश, अगर आपसे लोवेस्ट एरिया पूछा जाता तो लोवेस्ट एरिया कहाँ है, हरियाणा में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीट। देखिए, वीट का मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 85, ऑप्शन बी। इसके अलावा भी हम देखते हैं, देखिए वीट और बाल्ले में होता है 85%, जो राइस में होता है, राइस में कितना होता है 80%। ओके, अब राइस के अलावा मेज की बात करें तो मेज में होता है 90%। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज किस में होता है तो वो होता है मेज में, कितना होता है 90%। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे कम किस में होता है तो सबसे कम होता है कुकुरबिट्स में, कितना होता है 60%। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 85%। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज दैट प्लेस विच इज यूज फॉर फीडिंग ऑफ लैम, काव्स एंड पिगलेट बट नॉट यूज फॉर एडल्ट इज नोन एज क्रीप। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। देखिए, क्रीप एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर जानवरों के बच्चों को ही खाना खिलाया जाता है, फीडिंग करवाई जाती है, वहाँ पर एडल्ट अलाउ नहीं किए जाते। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू। और हम जानते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट से रिलेटेड होता है, आंसर इज ऑप्शन सी। अगर वहीं से आपसे पूछा जाता गोल्डन फाइबर तो उसका आंसर हम लगाते जूट, सिल्वर फाइबर बोला जाता तो कॉटन, और सिल्वर रिवॉल्यूशन बोला जाता तो वो होता है एग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। एज वी ऑल नो दैट पोटेशियम कैसा है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, बाकी वहीं पे ये सब कैसे है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेट डाउन ऑफ मिल्क इज ड्यू टू विच हार्मोन। देखिए, कौन सा हार्मोन लेट डाउन में हेल्प करता है तो वो ऑक्सीटोसिन, आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, एक और ऑप्शन है यहाँ पे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है, ये मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी का समय रहता है या बर्थ के बाद में, प्रोलैक्टिन हार्मोन काय में हेल्प करता है, मिल्क के फॉर्मेशन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वॉट इज द प्रोपगेशन मेथड इन बनाना। तो इसकी प्रोपगेशन मेथड कैसे करते हैं, हम शक्कर से करते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग कैटल ब्रीड इज इंडिजीनियस ड्रॉट पर्पस वाइल काउज आर पुअर गिल्डर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हम सब जानते हैं क्या होता है, ऑप्शन बी, दैट इज खिलारी। खिलारी कैसी है, इंडिजीनियस ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 10, क्राउन क्लीनिंग रिलेटेड टू। देखिए, क्राउन क्लीनिंग कोकोनट से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब क्राउन की क्लीनिंग क्या होता है हम वो देखते हैं। देखिए, ये फाइटोसैनिटरी मेजर्स होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी पाम प्लांट्स होते हैं ना, उसके क्राउन को क्लीन कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी इमेच्योर नट्स होते हैं या कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि इन्फेक्टेड पार्ट है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, ताकि माइट्स का इन्फेक्शन आगे और ना फैले। ओके, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्राउन क्लीनिंग। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस एंड गेटिंग फेयर प्राइस। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए, ईनाम। ईनाम इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 14th अप्रैल 2016 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है ई चौपाल। तो देख लेते हैं कि ई चौपाल क्या होता है। देखिए, ई चौपाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फार्मर्स को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और साथ में जो अप टू डेट इंफॉर्मेशंस रहती है कि क्या नई नई चीज़ आ रही है, तो ई चौपाल के माध्यम से फार्मर्स को अप टू डेट किया जाता है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की सारी इंफॉर्मेशंस दी जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। डिसीज ऑफ रोज ग्रेस विथ वाइट पाउडरी पैचेस आर सीन ऑन द टेंडर लीव्स एंड फ्लावर बर्ड्स। मेच्योर लीव्स गेट मिलफॉर्म्ड एंड फ्लावर बर्ड फेल टू ओपन एंड प्लांट प्रेजेंट विल्टेड अपीयरेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे वाइट पाउडरी पैचेस बोला है, तो आपको अगर इतना पूरा समझ में नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे मेन सिम्टम उन्होंने दे दिया है वाइट पाउडरी पैचेस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है, तो हम दूसरे ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपसे पेल ग्रीन या येलो स्पॉट्स बोले जाए कि लीफ की अपर सरफेस पे पेल ग्रीन या येलो स्पॉट्स है, तो वो होगा डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, रस्ट में क्या होता है? रस्ट में पिस्ट्यूल्स बन जाते हैं। अगर आपके पास सपोज इतना ही बड़ा क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, पर वहाँ पे बस एक टर्म लिखिए कि वहाँ पे पिस्ट्यूल्स बने हैं, तो वो कौन सी डिसीज है? वो रस्ट है। ठीक है, एक और ऑप्शन है क्राउन गॉल। क्राउन गॉल में क्या होता है? ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर ट्यूबर फॉर्मेशन की बात करें तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? क्राउन गॉल। पर यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? व्हाइट पाउडरी पैचेस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज पाउडरी माइल्डी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच इज नॉट बैक्टीरियल डिसीज इन पिग? तो वो कोकिडियोसिस डिसीज है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होती है। बाकी यहाँ पर जितनी भी डिसीज है वो सब के सब बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। पल्सिंग इज रिलेटेड टू, ठीक है, पल्सिंग नाम से हमें समझ में आता है कि शायद पल्स से रिलेट हो, पर ऐसा नहीं होता है। पल्सिंग फ्लावर की प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है। देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, फ्लावर्स की वास लाइफ को बढ़ाने के लिए हम फ्लावर्स को किससे ट्रीट करते हैं? उसको सुक्रोज से ट्रीट करते हैं और उसमें जर्मिसाइड्स हम उसमें स्प्रे करते हैं ताकि उसकी वास लाइफ बढ़ सके। तो पल्सिंग किससे रिलेटेड है? प्रोसेसिंग ऑफ फ्लावर्स। आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ट्रॉपिकल फ्रूट इज पपाया। आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेम ऑफ द वैक्सीन यूज फॉर रानीखेत डिसीज। तो रानीखेत डिसीज के लिए हम लसोटा वैक्सीन लगाते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए, मैरिक डिसीज से के लिए हम मैरिक वैक्सीन का यूज करते हैं। वहीं पर एक कैनाइन जो होता है, ये जो वैक्सीन है ये पपीज या डॉग्स में लगाई जाती है हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है सर्कोफ्लेक्स। ये जो सर्कोफ्लेक्स वैक्सीन है ये पिग्स में लगाई जाती है। पॉर्किन सर्कोवायरस डिसीज के अगेंस्ट इस वैक्सीन को लगाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ मेल बर्ड इन बनाना इज डीनेबलिंग। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ग्रेप ट्रेनिंग सिस्टम वेयर दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। देखिए, हम पहले थोड़ा ग्रेप के ट्रेनिंग सिस्टम को देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर देंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहला होता है हेड सिस्टम। हेड सिस्टम में हम क्या करते हैं, मेन जो हमारी जो ट्रंक होती है, ठीक है, उसको हम थोड़े टाइम तक रखते हैं, 4 से 5 साल तक, फिर हम इसमें शूट्स निकलने देते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हेड सिस्टम। जो सेकेंड सिस्टम होता है उसका होता है निफिन सिस्टम। ठीक है, अब निफिन सिस्टम में क्या करते हैं, निफिन सिस्टम को हम फोर केन सिस्टम भी बोलते हैं। अब इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारे कॉर्डोन्स होते हैं उसको ग्रो करने देते हैं इधर और
इधर ऐसे, इसलिए उसको फोरकेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इधर भी दोनों तरफ कॉर्डोन्स हम क्या कर रहे हैं, ग्रो करने दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे क्या लगते हैं, फ्रूटिंग्स लगती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी टेलीफोन सिस्टम, जिसको हम ओवर हेड ट्रेलिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। देखिए, ठीक है, जैसे आपने टेलीफोन के वायर्स देखे होंगे ना, कि वो कैसे पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये भी सेम वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये अपनी मेन ट्रंक है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसको ग्रो करने देते हैं, तो ये और ग्रो होती है, इधर भी ग्रो हो रही है, और इसको हम फिर कैसे कर देते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह रहती है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, तो इसे हम बोलते हैं टेलीफोनिक सिस्टम। उसके बाद एक और होती है, जिसको बोलते हैं आर्बर या ओवरहेड बोवर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको इसमें डायग्राम नहीं बना बता सकती, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस नेटवर्क होता है। ठीक है, अगर आपसे क्रिस क्रॉस नेटवर्क का पूछा जाता है, तो वो आता है बोवर सिस्टम, पर आपसे पूछता है कि एक दूसरे से कौन सी कनेक्टेड होती है, तो वो होती है टेलीफोनिक। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हाईएस्ट लैक्टेशन लेंथ कौन सी गोट में होती है। तो हाईएस्ट लैक्टेशन जो लेंथ होती है, वो होती है जमनापरी में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओकरा। ओकरा डिस्टेंस में, ओकरा में कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उसमें हम फाउंडेशन सीड की बात करते हैं, तो वो होती है 400 मीटर्स, और अगर हम सर्टिफाइड सीड की बात करते हैं, तो वो होती है 200 मीटर। यहाँ पे आपसे फाउंडेशन सीड पूछा है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 400 मीटर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, स्टबल स्प्राउट टू फॉर नेक्स्ट क्रॉप इज, हम सब जानते हैं वो क्या होती है, रेटूनिंग। रेटूनिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू विच पेस्ट, बॉलवर्म। आंसर इज ऑप्शन ए। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि कौन कौन से तीन टाइप के बॉलवर्म्स होते हैं, ठीक है, और उनके क्या साइंटिफिक नेम होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, स्मॉल फार्मर ओन लैंड 1 hectare to 2 hectare, तो स्मॉल फार्मर्स के कितना होता है, 1 hectare to 2 hectare। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, वर्टिसोल ऑर्डर सॉइल इज फाउंड मैक्सिमम इन विच स्टेट, तो फाउंड कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, महाराष्ट्र में होगी। ठीक है, वर्टिसोल ऑर्डर किसका होता है, ब्लैक सॉइल का होता है। ठीक है, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाइट मस्कार्डिन डिसीज रिलेटेड टू। देखिए, जो व्हाइट मस्कार्डिन डिसीज होती है ना, वो सिल्क वर्म से रिलेटेड होती है। जो व्हाइट मस्कार्डिन डिसीज होती है, वो एक फंगस बुवेरिया बेसियाना के थ्रू कॉज होती है, और इसमें एक और डिसीज होती है। ठीक है, सिल्क वर्म में एक और मेन डिसीज होती है, उसको हम बोलते हैं पेब्रीन डिसीज। जो पेब्रीन डिसीज होती है, वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज होती है। उस प्रोटोजोआ का नाम है नोजेमा बॉम्बाइसिस। सिल्क वर्म पर हमने वीडियो भी बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, एफिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिसीज इन तंबाकू। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम एक एक कर ट्रांसमिशन देखते हैं। ठीक है, जो तंबाकू मोज़ेक वायरस डिसीज है, ठीक है, जो TMV जो होता है, ये मेनली मैकेनिकली स्प्रेड होता है। ओके, जो तंबाकू लीफ कर्ल जो वायरस है, वो होता है वाइट फ्लाई के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है, एफिड के लिए। तो यहाँ पे पूछा है एफिड किस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इन विच प्लांटिंग सिस्टम 4 प्लांट्स आर प्लांटेड इन अ स्क्वेयर, इन विच प्लांट टू प्लांट एंड ग्रो टू ग्रो डिस्टेंस इज सेम एंड प्लांट्स आर प्लांटेड टू राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये तो सिंपल सा है, इसका आंसर आप ही बता देंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज स्क्वेयर सिस्टम। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आफ्टर शीट इरोजन
माइन्यूट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इफ नॉट टेकन केयर। देखिए हम जानते हैं कि सबसे पहले इरोजन का एक वो होता है, ठीक है, सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन के बाद होता है शीट इरोजन, ठीक है, शीट के बाद होता है रिल फॉर्म होती है, रिल के बाद होता है गली इरोजन। ये टेबल आप याद रखिए, इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वो क्या बोल रहा है, आफ्टर शीट इरोजन, तो शीट इरोजन के बाद क्या है, रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होता है, माइक्रो चैनल्स बन जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। अबाउट हनी बी एंड बी कॉलोनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट है स्वार्मिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है। देखिए स्वार्मिंग का मतलब होता है कि जो क्वीन है वो जब एडल्ट स्टेज में आ जाती है, तो जब वो फर्स्ट टाइम अपने अपने हाइव से बाहर निकलती है मेटिंग के लिए, तब उसके पीछे सारे ड्रोन्स क्या होते हैं, पीछे आ जाते हैं मेटिंग करने के लिए, तो वो जो घूमते रहते हैं तो उसे हम कहते हैं स्वार्मिंग, ठीक है, या उसको न्यूप्टियल फ्लाइट भी कहते हैं। उसके बाद है अनफर्टिलाइज्ड एग बिकम वर्कर्स भी, तो हम ये देख लेते हैं। देखिए इसमें तीन होती है, एक क्वीन होती है, वर्कर भी होती है और ड्रोन होती है। क्वीन कैसे फॉर्म होती है, ये भी फर्टिलाइज्ड एग से, वर्कर भी फर्टिलाइज्ड एग से, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, ड्रोन्स में। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, अनफर्टिलाइज्ड एग बिकम वर्कर भी, तो ये क्या है, गलत ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैक्स मोथ अटैक इन लार्वा स्टेज एंड नीट एडल्ट स्टेज, ये भी सही है। क्वेश्चन डी क्या है, क्वीन वर्क एंड ड्रोन्स आर डिफरेंट, ये भी हमने देखा, ये तीनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन ई, प्रोपोलिस रॉयल जेली एंड बी वेनम आर बाय प्रोडक्ट ऑफ बीस, ठीक है, इसका जो मेन प्रोडक्ट क्या होता है, बीस का जो मेन प्रोडक्ट होता है ना वो वैक्स होता है, ठीक है, तो अगर मेन प्रोडक्ट की बात करें तो वैक्स होता है, बाकी जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। इवन जो हनी भी होता है, ठीक है, हनी होता है सॉरी, वो भी कैसा होता है, उसका बाय प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट की बात करें तो वो वैक्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, गुआवा पेस्ट विच डिपॉजिट एग्स ऑन सॉफ्ट स्किन ऑफ राइपनिंग फ्रूट ऑन हैचिंग मैगर्स बोर इन टू फ्रूट एंड फीड ऑन द सॉफ्ट पल। The infestants show depression with dark green puncture and when cut opens the maggots are visible and finally fruit rot and fall. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फ्रूट फ्लाई। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सोरघम शूट फ्लाई अटैक सिम्टम। तो उसका सिम्टम होता है, देखिए क्या है, फर्स्ट इज द लार्वा कट्स द ग्रोइंग पॉइंट एंड रिजल्ट इन विल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ द सेंट्रल लीफ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑयल केक इज यूज टू प्रिवेंट प्रीडेटरी फिशेस। देखिए प्रीडेटरी फिशेस को कंट्रोल करने के लिए मेनली तीन मेथड होती है, एक प्लांट डेरिवेटिव्स, ओके, दूसरा क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरा ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो हम टी सीड केक या महुआ केक से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो उसमें एल्ड्रीन, डाएल्ड्रीन, एंड्रील के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करें तो वो होता है फॉस्फामिडॉन, थायोमेटॉन और डीडीवीपी के थ्रू हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा है ऑयल केक, तो हमने अभी बात की कौन सा दो केक होते हैं, एक टी का सीड केक और महुआ ऑयल केक, तो आंसर होगा ऑप्शन ई। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विच ट्रैप इज यूज टू ट्रैप मेल इन आईपीएम। तो ये होते हैं फेरोमोन्स ट्रैप यूज किए जाते हैं, किसको ट्रैप करते हैं, इसमें हम मेल मोथ को ट्रैप किया जाता है फेरोमोन ट्रैप के थ्रू। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द जोन ऑफ इल्यूविएशन। तो ये इसका आंसर क्या है, बी, हम जानते हैं कि जोन ऑफ इल्यूविएशन कौन है, बी, और एल्यूविएशन के लिए होता है ई जोन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज टू विल्टिंग पॉइंट, वाटर हेल्ड टाइटली बाय सॉइल पार्टिकल्स कंडीशन इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। आंसर इज ऑप्शन ए,
नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. बॉटनिकल नेम ऑफ पोमग्रेनेट इज प्यूनिका ग्रेनेटम. आंसर इज ऑप्शन इज ई. क्वेश्चन नंबर 37. ब्लू कलर टैग फॉर विच सीड टाइप. तो ब्लू कलर का टैग हम सर्टिफाइड सीड के लिए करते हैं. आंसर इज ऑप्शन ए. हमने सीड के टैग कलर्स के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. आप वहां से जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात हमने उधर की है. ठीक है. क्वेश्चन 38 है इरेगुलर बियरिंग मैंगो वेराइटी. तो वो है केसर. आंसर इज ऑप्शन ए. केसर एक अर्ली सीजन वेराइटी भी है. ओके. नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. विच शीप ब्रीड फॉर नॉर्थ वेस्ट इंडिया नोन फॉर बेस्ट क्वालिटी वाइट वूल. ठीक है. तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मागरा. मागरा जो शीप ब्रीड है वो उसके वाइट वूल के लिए जानी जाती है. ओके. नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. अ जोन विद इन द अर्थ दैट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम वन एक्वीफायर टू अनदर. देखिए ये क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर इसके आंसर आप लगाइएगा. देखिए ठीक है. तो जो अर्थ होता है ये हमारा पेड़ है. ठीक है. इसमें दो जोन होते हैं. एक होता है एरेशन जोन, दूसरा होता है सेचुरेशन जोन. ठीक है. मैं थोड़ा इसको बड़ा बना देती हूँ. हम करते हैं सेचुरेशन जोन की. तो सेचुरेशन जोन में भी मेनली चार जोन होते हैं. एक होता है एक्वीफर, दूसरा होता है एक्वीफ्यूज, एक्वीटार्ड, एक्वीफ्लूड. ओके. तब हम इन चारों को एक डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो जो हमारा ये जो सेचुरेशन जोन होता है उसमें जो सबसे पहले ऊपर आता है एक्वीफर. ये ऐसा जोन होता है कि जहाँ से हम ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं. ठीक है. तो हम जब भी बोरिंग करते हैं या फिर हमारा जो वेल होता है कुआ, तो वो कहाँ से पानी निकालता है? वो एक्वीफर जोन से पानी निकालता है. उसके बाद आता है एक्वीटार्ड. ठीक है. इसके नीचे वाली लेयर को आप बोल सकते हैं एक्वीटार्ड. इसमें क्या होता है, पानी की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है. उसके बाद आता है एक्वीफ्लूड. ठीक है. एक्वीफ्लूड ऐसा जोन होता है कि जिसके पास पानी तो होता है पर परमिएबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है. और सबसे आखिरी वाला आता है एक्वीफ्यूज. इसमें क्या होता है, वो जो रॉक्स होती है वो तो अपन जानते ही है ना, वो कैसी होती है. उसमें ना पानी होता है ना उसकी परमिएबिलिटी होती है. तो हमने सबसे पहला जोन देखा एक्वीफर, जिसमें पानी भी होता है और परमिएबिलिटी भी होती है, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं. उसके बाद हमने देखा एक्वीटार्ड. एक्वीटार्ड में क्या होता है, पानी होता है पर बहुत कम परमिएबिलिटी होती है. उसके बाद आता है एक्वीफ्लूड, मतलब इसमें पानी होता है पर परमिएबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है. और लास्ट आता है एक्वीफ्यूज, इसमें ना पानी है ना परमिएबिलिटी है. तो अब आंसर आप बताइएगा क्या बोला है. अ जोन विद इन द अर्थ दैट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम वन एक्वीफर टू अनदर. कौन रेस्ट्रिक्ट करता है? तो इसका आंसर होगा, इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्वीफ्यूज. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 41. विच एंटेमोपैथोजन फंगस रोल एज बायो कंट्रोल एजेंट इन कॉटन बॉल वर्म. तो इसका है आंसर ऑप्शन ए, दैट इज बोवेरिया बेसियाना. ठीक है. नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस रिड्यूस सॉइल इरोजन, इवेपोट्रांसपिरेशन, काइनेटिक एनर्जी, इंपैक्ट ऑफ रेनड्रॉप. तो हम जानते हैं क्या होता है, मल्चिंग के थ्रू हम इन सारी चीजों को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. ओके. नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज लेग्जेटिव मेडिसिनल प्लांट. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इसाबगोल. इसाबगोल का जो बॉटनिकल नेम है वो है प्लांटेगो ओवाटा. ओके. इसके अलावा भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जो अश्वगंधा होता है वो इंसोमनिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है. उसके बाद जो गुग्गल होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है. जो कस्क्यूटा होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट को ट्रीट करने में हेल्प करता है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज द एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो. हम जानते हैं कि बफेलो का एवरेज गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, 316 प्लस माइनस 5. बाकी काउ के और अदर एनिमल्स के आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उनके गेस्टेशन पीरियड्स कितने होते हैं.
क्वेश्चन नंबर 45, येलो कलर ऑफ मिल्क, ये तो बहुत ही ईजी सा और कॉमन क्वेश्चन है कि येलो कलर किससे होता है, कैरोटीनॉइड से, और वाइट कलर किससे होता है, कैसीन से, आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, न्यू लीफ ऑफ प्लांट शोज येलो सिम्टम एंड वेन्स रिमेन्स ग्रीन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, एंड इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यंग फीमेल पिग हु हैड नॉट गिवन बर्थ टू एनी ऑफस्प्रिंग नाउ इज नोन एज, सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, ले फार्मिंग इज रिलेटेड टू, ले फार्मिंग जानते हैं कि ले फार्मिंग क्या होता है, कि जब हम ग्रेन क्रॉप्स के साथ जब हम पैस्चर्स भी ग्रो करते हैं, तो उसे हम पास्चर भी ग्रो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ले फार्मिंग। तो ऑप्शन है लेयरिंग इन हॉर्टिकल्चर, ये नहीं आ सकता, मोर लेयर बर्ड ऐसा भी नहीं है, रियरिंग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, वॉट इज द टाइप ऑफ सिल्क वर्म दैट ब्रीड ओनली वन टाइम इन अयर। देखिए, जो यूनिवोल्टिन स्पीशीज होती है वो सिर्फ एक ही बार ब्रीड करती है, और इसका जो सिल्क होता है वो बेस्ट सिल्क माना जाता है। ठीक है, बायवोल्टिन एक साल में दो बार। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ नोन एज NRLM, NRLM क्या है, NRLM इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हम सबसे पहले ये सभी योजनाओं को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आंसर आप देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना कब आई थी, ये आई थी 2014 में। इस योजना के अंतर्गत क्या बोला गया था कि इस योजना में उन्होंने एक आदर्श गांव बना दिया था, लाइक जो आइडियल गांव होता है वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच होगी जिसको देख के दूसरे गांव इससे सीख सके और उनका भी क्या डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, उसके बाद आई थी ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना आई थी 2000 में। ठीक है, और ये हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाई गई थी। ठीक है, उसके बाद आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ही लाई गई थी, पर ये कब लाई गई थी, ये 1999 में लाई गई थी। अब इसका मेन क्या था कि इसका मेन, देखिए यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्राम स्वरोजगार। ठीक है, जो ग्रामीण लोग होते हैं या फिर पुअर पीपल्स होते हैं उनको सस्टेनेबल इनकम मिल सके, माइक्रो एंटरप्राइजेस के थ्रू जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको सस्टेनेबल इनकम मिल सके। ठीक है, अब यह इस योजना को 2011 में एक नया नाम दे दिया गया और उसे कहा गया NRLM, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अब इसके बाद 2011 के बाद ये जो योजना है ये कायम मर्ज हो गई। इस योजना को बाद में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंदर मर्ज कर दिया गया। याद रखिए, यहाँ पे ग्रामीण कौशल है और जो मैं बोल रही हूँ वो है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसको डे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि NRLM किसको कहा जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, दैट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51, एस्थेटिक एंड शेडी प्लांटेशन फॉर डेकोरेशन पर्पस। देखिए, डेकोरेशन पर्पस की बात करें तो इसका आंसर आता है अर्बोरी कल्चर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, विटी कल्चर तो हम जानते हैं क्या होता है, सिल्वी कल्चर, मोरी कल्चर, आप मुझे बताइए कि क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ कि लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ठीक है, जब हम लैंडस्केप का हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जब पिक्चर्स के इफेक्ट के लिए जब हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। एस्थेटिक और डेकोरेशन पर्पस के लिए बोल दिया तो वो है अर्बोरिकल्चर, आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, FMD वैक्सीन इज गिवन टू शीप एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ, आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, सोडियम डेफिशिएंसी इन काउ सिम्टम
एंड कॉज व्हाट? सोडियम की डिफिशियंसी क्या कॉज करती है? तो वो डिहाइड्रेशन एंड फ्लूड रिडक्शन कॉज करती है. आंसर इज ऑप्शन बी. इसके अलावा भी हम कुछ डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज देखते हैं. देखिए, कैल्शियम सॉल्ट की वजह से क्या होता है? मिल्क फीवर होता है. ठीक है, सोडियम की वजह से हम जानते हैं डिहाइड्रेशन और फ्लूड रिडक्शन. आयोडीन की वजह से गोइटर होता है. और आयरन की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54. सॉइल स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय? देखिए, सॉइल स्ट्रेंथ हम पेनिट्रोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. आंसर इज ऑप्शन ए. अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करना है तो वो आप हाइड्रोमीटर के थ्रू मेजर करेंगे. सॉइल मॉइस्चर मेजर करना है तो वो टेंशियोमीटर के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. फीड कन्वर्जन रेशियो इन ब्रॉयलर चिकन. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1.5 to 1.9. क्वेश्चन इज फीड कन्वर्जन रेशियो क्या होता है? देखिए, फीड कन्वर्जन रेशियो का मतलब होता है कि जब चिकन को हम 1.6 केजी फीड देते हैं तो वो कितना वेट गेन करती है? 1 केजी का. तो इसे कहते हैं फीड कन्वर्जन रेशियो. ठीक है, कि वो फीड को काय में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, अपने वेट में 1.6 केजी पे वो कितना करती है? 1 केजी पे. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1.5 to 1.9. क्वेश्चन नंबर 56. इन विच ग्राफ्टिंग रूट स्टॉक डिबार्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, टू स्लोप्स कट गिवन एंड वेजेस इट मेड टंग शेप सियोन इंसर्टेड एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वेज ग्राफ्टिंग. नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. मेटिंग ऑफ वाइडर डिग्री रिलेशन नॉट क्लोजर वन एंड रिजल्ट इन यूनिफॉर्मिटी इज नोन एज इन ब्रीडिंग. आंसर इज ऑप्शन बी. हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, दो टाइप की ब्रीडिंग होती है, एक इन ब्रीडिंग होती है और दूसरी होती है आउट ब्रीडिंग. ठीक है, तो सबसे पहले इन ब्रीडिंग के भी दो टाइप होते हैं. इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम सेम या रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग. अब इन ब्रीडिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग. देखिए, क्लोज ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? जब हमको मोर देन वन कॉमन एंसेस्टर्स हो. ठीक है, जब हम मेटिंग करवा रहे हैं और एक से ज़्यादा कॉमन एंसेस्टर्स हो तो उसे बोलते हैं क्लोज ब्रीडिंग. वहीं पर जब एक ही कॉमन एंसेस्टर है तो उसे हम कहते हैं लाइन ब्रीडिंग. तो ये भी हमने देखा इन ब्रीडिंग. दूसरा होता है इसका टाइप आउट ब्रीडिंग. आउट ब्रीडिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग और दूसरा होता है ग्रेडिंग अप. देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? जब दो डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल को हम क्रॉस करवाते हैं तो वो होता है क्रॉस ब्रीडिंग. देखिए, ग्रेडिंग अप का क्या मतलब होता है? कि जब हम एक इंडिजीनियस ब्रीड को बार बार किसी प्योर ब्रीड से क्रॉस करवा सकें ताकि उसमें सुपीरियोरिटी आ जाए तो उसे हम कहते हैं ग्रेडिंग अप. तो ये किसके टाइप हुए? आउट ब्रीडिंग के. वहीं पर हमने देखा था इन ब्रीडिंग के दो टाइप होते हैं, क्लोज ब्रीडिंग एंड लाइन ब्रीडिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. विच साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू फार्मर्स एंड फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स इज KVK. आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. टाइप ऑफ इमल्शन फाउंड इन मिल्क इज ऑयल इन वाटर. आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. Which one of the following is a symbiotic nitrogen fixing bacteria is rhizobium. ये questions तो हम कब से solve करते आ रहे हैं, हमें तो ये रट चुका है कि rhizobium क्या है, एक symbiotic nitrogen fixing bacteria होता है. ठीक है, तो अभी हमने IBPS A4 2019-20 के paper को discuss किया. I hope आपको ये paper पसंद आया होगा. आप हमें Instagram पर भी join कर सकते हैं, आप हमारे Telegram channel को भी join कर सकते हैं. वहाँ हम daily questions डालते हैं जिससे कि आपकी practice अच्छी हो सके. आप हमें WhatsApp और Facebook के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट भी है tgagri.weebly.com, जहां पर आपको एग्रीकल्चर की प्रॉपर सारी PDF मिलेगी. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बट उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू.
Thank you.